दोस्तों सबसे पहले लास्ट रूम देख लीजिए, कार्ड अप्लाई करते ही एंड पेज के ऊपर वीडियो केवाईसी का लिंक मिल गया। जैसे ही मैं वीडियो केवाईसी कंप्लीट करता हूं, शाम तक हमें कार्ड अप्रूवल का मेल आ चुका है सिर्फ सिविल बेसिस पे। उसके बाद जैसे ही मैं आई मोबाइल पे एप्लीकेशन में जाकर के देखता हूं तो कार्ड डिटेल और कार्ड का लिमिट वगैरह सारा कुछ शो हो चुका है और वर्चुअल कार्ड डिटेल भी शो हो चुका है। और 2 से 3 दिन के अंदर आप देख सकते हैं मेरे हाथ में फिजिकल क्रेडिट कार्ड भी पहुंच चुका है। तो आज के इस वीडियो में आईसीसी बैंक क्रेडिट कार्ड लेने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। इनका मैं सभी तरह का क्रेडिट कार्ड बनवा चुका हूं, फॉर एग्जांपल प्रीमियम क्रेडिट कार्ड जैसे कि सफेरो क्रेडिट कार्ड हो गया, अमेजॉन पे आईसीसी क्रेडिट कार्ड, कोरल क्रेडिट कार्ड, अमेजॉन पे आईसीसी क्रेडिट कार्ड। लेकिन इस वीडियो में अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे सिर्फ यही बताने वाला हूं कि कौन सा क्रेडिट कार्ड हमें आसानी से मिल गया और आप भी कौन सा क्रेडिट कार्ड आसानी से ले सकते हैं। आसानी से कार्ड लेने का मतलब यह हो गया कि लो सिविल स्कोर के साथ आप कार्ड ले सकते हैं, बिना किसी इनकम प्रूफ के क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं और कार्ड 1 से 2 दिन के अंदर अप्रूव होकर आपको मिल जाए। देखिए दोस्तों, जब भी हम आईसीसी क्रेडिट कार्ड के बारे में सोचते हैं हमारे मन में एक ही सवाल आता है, अमेजॉन पे आईसीसी क्रेडिट कार्ड कैसे हमें मिलेगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, ये क्रेडिट कार्ड लेना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड बहुत ही कम इशू किया जाता है। बात करें बेनिफिट की तो आईसीसी बैंक में सबसे ज्यादा बेनिफिट देने वाला यही एक क्रेडिट कार्ड है, जो कि अमेज़न के ऊपर स्पेंड करते हैं तो 5% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलता है अगर आप प्राइम मेंबरशिप लिए हुए रहते हैं तो। अगर आप नॉन प्राइम मेंबर है तो आपको सिर्फ 3% का कैशबैक मिलेगा, ऑल अदर स्पेंड के ऊपर 1% का कैशबैक मिलेगा। फिर भी हम इस कार्ड को अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि इस कार्ड का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफी हाई है। अमेज़न के ऊपर शॉपिंग अच्छा खासा होगा और आपका सिविल 760 प्लस होगा, आपके सिविल में पहले से काफी सारे क्रेडिट कार्ड होंगे तो ही ये क्रेडिट कार्ड आपको सिंगल अटेम्प्ट में अप्रूव हो सकता है, इसलिए हम इस कार्ड को अप्लाई नहीं करेंगे। अगर आपको इतना बेनिफिट वाला कार्ड चाहिए ही तो अभी सबसे आसानी से अप्रूव हो रहा है SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड, जो आपको हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर 5% का कैशबैक देने वाला है। और SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड रिसेंटली हमने सभी फैमिली मेंबर का अप्लाई किया, सबका अप्रूव होकर हमें मिल चुका है। मेरे हिसाब से रिसेंट समय का सबसे ज्यादा अप्रूव होने वाला क्रेडिट कार्ड SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड है, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों में अमेज़न फ्लिपकार्ट के ऊपर सेल आने वाला है, सबके ऊपर 5% कैशबैक देगा। चलिए अपने पॉइंट पे वापस आते हैं। बात करें आईसीसी में लो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाला क्रेडिट कार्ड के बारे में, तो वो है आईसीसी बैंक प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड। ये आईसीसी बैंक का सबसे बेस वेरिएंट का क्रेडिट कार्ड है। इस कार्ड के ऊपर बेनिफिट के नाम पे कोई तगड़ा बेनिफिट है नहीं, कार्ड आपको बिल्कुल ही लाइफ टाइम फ्री देखने को मिलेंगे, कोई ज्वाइनिंग फी नहीं, कोई एनुअल फीस नहीं, बस इस कार्ड के ऊपर हर एक वो बेसिक फीचर्स मिल जाएगा जो सभी कार्ड के ऊपर देखने को मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्यूल सरचार्ज वेव वाला, और EMI कन्वर्ट कर सकते हैं कोई भी ट्रांजेक्शन को और हर जगह इस कार्ड को यूज कर सकते हैं। लिमिट के मामले में मेरे पास जितने भी क्रेडिट कार्ड है सबसे ज्यादा लिमिट आईसीसी बैंक ने दिया है, तो लिमिट का टेंशन नहीं लेना है, आसानी से कार्ड मिलने वाला है। ऐसे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, कार्ड को हम डायरेक्टली करते हैं अप्लाई, मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर चल के कार्ड का डायरेक्ट अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड मिल जाएगा। जैसे लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे इस पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे, जहां पे देख लीजिए क्लियरली मेंशन है नो ज्वाइनिंग फी, नो एनुअल फीस, और जो भी कार्ड का बेनिफिट है इस पेज के ऊपर देख सकते हैं। डायरेक्टली मैं अप्लाई नाउ के ऊपर मैं क्लिक करता हूं, जहां पे देख लीजिए सबसे पहले आपको नेम एज पर पैन डिटेल यहां पे एंटर कर देना है, उसके बाद ईमेल आईडी पूछा जा रहा है। मैं आपको एक पर्सनल सजेशन देना चाहूंगा, अगर आपने पहले आईसीसी के कार्ड अप्लाई किया था और वो कार्ड डिक्लाइन हो चुका है तो वही सेम ईमेल आईडी आप यहाँ पे नहीं दीजिएगा, अदरवाइज आपका कार्ड फिर से डिक्लाइन हो जाएगा। ऐसा मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि कस्टमर केयर ने हमें ऐसा सजेस्ट किया है, ठीक है। तो ईमेल आईडी डाल देंगे, सिटी सेलेक्ट कर लेंगे और पैन नंबर एंटर करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा सिटी नेम नहीं आ रहा, तो अदर सिटी के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद इंटर सिटी नेम का ऑप्शन आ चुका है। अब मैं यहाँ पे अपना सिटी सेलेक्ट कर लेता हूं। चलिए उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है एम्प्लॉयमेंट टाइप, यहाँ पे पूछा जा रहा है आप सैलरी पर्सन है या सेल्फ एम्प्लॉयड है। अगर आप सैलरी पर्सन है तो पर मंथ आपका इनकम क्या है, यानी कि सैलरी क्या है, वो चीज आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। और इंटर कंपनी नेम का ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पे कंपनी नेम एंटर कर देंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं हूँ सेल्फ एम्प्लॉयड, तो सेल्फ एम्प्लॉयड वाला ऑप्शन को सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, क्लियर कर देता हूँ आपको। ग्रॉस टर्नओवर ऑफ लास्ट ईयर, यहाँ पे टर्नओवर पूछा जा रहा है पूरे साल का, यानी कि ना ही मंथली इनकम पूछा जा रहा है ना ही सालाना इनकम पूछा जा रहा है, टर्नओवर पूछा जा रहा है यानी कि पूरे बिजनेस का सेल कितना था पिछले साल का, ये चीज पूछा जा रहा है। तो ध्यान से आप डिटेल फिल करें। और यहाँ पे पूछा जा रहा है हैज योर ITR एक्नॉलेज बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे यस लिखना है। यहाँ पे देख सकते हैं यस नो का ऑप्शन है, यस के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब देख लीजिए पूछ रहा है क्या आपका आईसीसी बैंक में कोई रिलेशन है, सैलरी अकाउंट है, सेविंग करंट अकाउंट है, होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड कुछ है आईसीसी बैंक से पहले से कोई रिश्ता, तो यहाँ पे मैं नो अकाउंट के ऊपर क्लिक रखूंगा, यानी कि आईसीसी बैंक में पहले से हमारा कुछ भी नहीं है, नो अकाउंट के ऊपर क्लिक कर दिया, कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब देख लीजिए यहाँ पे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर एंटर करना है और गेट OTP के ऊपर क्लिक करना है और OTP वेरीफाई करना है और डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देना है और नीचे टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करेंगे और सबमिट के ऊपर नीचे क्लिक करेंगे। और उसके बाद देख सकते हैं यू आर एलिजिबल फॉर आईसीसी बैंक क्रेडिट कार्ड का
यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है और उसके बाद वीडियो केवाईसी का लिंक भी हमारे मोबाइल के ऊपर आ चुका है। चलिए यहाँ से हम आगे वीडियो केवाईसी कंप्लीट करते हैं। जैसे लिंक के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, इस पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए, मोबाइल नंबर एंटर करके गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है और जो ओटीपी आया ओटीपी एंटर करके वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे। चलिए अब यहाँ पे इंटर 12 डिजिट आधार नंबर का ऑप्शन आ रहा है, आधार नंबर एंटर करके गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे। चलिए उसके बाद हमारे आधार रजिस्टर नंबर के ऊपर ओटीपी गया है, ओटीपी एंटर करके वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आप एंड्रॉइड फोन से कर रहे होंगे तो किसी भी ब्राउजर से वीडियो केवाईसी हो जाएगा, लेकिन आईफोन से करेंगे तो सिर्फ सफारी ब्राउजर से वीडियो केवाईसी कंप्लीट कर पाएंगे। मैं सफारी ब्राउजर में दोबारा से लिंक ओपन कर लिया हूं, आधार ओटीपी एंटर करके वेरीफाई के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। उसके बाद देखिए आधार कार्ड के बेसिस पे आपका डिटेल यहां पे खुल के आ जाएगा। यहां पे देख सकते हैं फुल नेम आ चुका है, डेट ऑफ बर्थ आ चुका है, पैन नंबर आ चुका है, ईमेल आईडी आ चुका है, एड्रेस आ चुका है, एज पर आधार डिटेल सारा कुछ वेरीफाई कर लेंगे। अगर करंट परमानेंट सेम एड्रेस है तो यस के ऊपर क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो के ऊपर क्लिक करके आप एड्रेस को एडिट कर सकते हैं। लेकिन मैं आधार वाला एड्रेस के ऊपर अभी भी रहता हूं, तो यही एड्रेस है मेरा, तो सीधे मैं नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूं। चलिए दोस्तों उसके बाद अगले पेज के ऊपर कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है, जहां पे सबसे पहले बोला जा रहा है यहां पे अपलोड योर इनकम डॉक्यूमेंट लेटेस्ट 1 ईयर इनकम टैक्स रिटर्न विद कंपटीशन ऑफ इनकम। यहां पे अगर आपका सिविल ज्यादा ही अच्छा है तो इनकम डॉक्यूमेंट का डिमांड नहीं किया जाएगा, अदरवाइज नॉर्मली इनकम डॉक्यूमेंट का डिमांड किया जा सकता है। तो अगर आपके पास ITR है तो अपलोड कर दीजिए, कंपटीशन है तो अपलोड कर दीजिए, या अगर आपके पास ITR या कंपटीशन नहीं है तो आप हमसे 10 मिनट के अंदर कांटेक्ट करके ITR फाइल करवा सकते हैं। ITR के लिए कांटेक्ट डिटेल डिसीजन पिन कोड दे दिया हूं, जो कि सर्विस पेड है। ITR और कंपटीशन दोनों ही आपको बना करके मिल जाएंगे। तो चलिए मेरे पास ITR और कंपटीशन है, दोनों चीज मैं अपलोड कर देता हूं। और हाँ, कुछ लोग पूछते हैं कि भाई बैंक तो 3 साल का ITR मांगता है, 2 साल का ITR मांगता है, तो यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा। साफ साफ यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है लेटेस्ट 1 ईयर इनकम टैक्स रिटर्न, यानी कि जो भी लेटेस्ट आपके पास ITR है, जो भी लास्ट ITR आपने फाइल किया है, सिर्फ उसी का काम है यहाँ पे। चलिए उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए स्टेप 2 में प्लीज कंप्लीट योर वीडियो केवाईसी का टाइमिंग दिया गया है। चलिए अपलोड करके मैं वीडियो केवाईसी कंप्लीट करता हूँ। तो ये मैं दोनों चीजें अपलोड कर चुका हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे ITR और कंपटीशन दोनों अपलोड कर दिया हूँ। इनिशिएट वीडियो केवाईसी का लिंक हमें मिल चुका है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद देख लीजिए बोला जा रहा है आपके पास स्टेबल कनेक्टिविटी होना चाहिए, इंटरनेट अच्छा होना चाहिए, ओरिजिनल फिजिकल पैन कार्ड होना चाहिए, पेन और पेपर होना चाहिए, उसके बाद कैमरा माइक्रोफोन और लोकेशन का परमिशन अलाउ करना है आपको। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ और यहाँ पे कैमरा का परमिशन मैं अलाउ करता हूँ, क्लिक हियर टू स्टार्ट वीडियो केवाईसी के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और उसके बाद एग्जीक्यूटिव कनेक्ट हो जाते हैं। ये जो बातचीत हुआ ये तो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, लेकिन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ क्या क्या पूछा गया और क्या क्या करवाया गया। देखिए सबसे पहले वो आपका सेल्फी कैप्चर करेंगे, ओरिजिनल पैन कार्ड फ्रंट और बैक साइड दोनों साइड देखेंगे। उसके बाद आपको प्लेन पेपर के ऊपर लाइव सिग्नेचर करना है, जिसमें आपका फेस भी दिखना चाहिए, सिग्नेचर करता हुआ भी दिखना चाहिए, यानी कि ऐसे फोन पकड़ के सिग्नेचर आपको करवाएंगे। उसके बाद सिग्नेचर का पास से वो फोटो क्लिक करेंगे और पूछेंगे कि यही सिग्नेचर प्राइमरी बैंकिंग के लिए सेट किया जाए, तो आप बोलेंगे यस, तो आपका सिग्नेचर जो है वो ओके हो जाएगा। उसके बाद आपसे कुछ सवाल पूछा जाता है वेरिफिकेशन के लिए, फॉर एग्जांपल आपके डेट ऑफ ईयर यानी कि डेट ऑफ बर्थ का जो ईयर है, जैसे कि 1998, 1997 जो भी है आप बता देंगे। उसके बाद आपके एरिया का पिन कोड वेरीफाई करेंगे, यानी कि पूछेंगे आपसे सिर्फ कि आपका एरिया पिन कोड क्या है, ठीक है। तो यही एक दो सवाल पूछते हैं, उसके बाद सक्सेसफुली आपका वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाता है और भी कोई भी सवाल यहाँ पे नहीं पूछा जाता है। मैं जहां तक गेस कर पाया कि वो ये जानना चाहते हैं कि इनको मतलब थोड़ा बहुत भी नॉलेज है या नहीं है, तो उसके बाद सिंपली हमारा वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही वीडियो केवाईसी कंप्लीट करते हैं आपका प्रोफाइल सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। उसके बाद आपका सिविल, आपका एरिया, सिटी, पिन कोड आपके प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कार्ड के लिए इलिजिबल है या नहीं है। मेरे केसेस में देख सकते हैं शाम तक हमें अप्रूवल का मेल आ चुका है और मेल के अंदर ही हमारा कस्टमर आईडी दिया हुआ रहता है। उस कस्टमर आईडी के थ्रू आप iMobile Pay एप्लीकेशन में जाकर के लॉगिन कर सकते हैं। अदरवाइज पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ओटीपी के थ्रू भी iMobile Pay एप्लीकेशन में जाकर के सारा डिटेल देख सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। वर्चुअल कार्ड डिटेल आप देख पाएंगे, लिमिट आप देख पाएंगे और कार्ड को यूज भी कर पाएंगे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इनेबल करके। चलिए तो कार्ड लेने का कंप्लीट प्रोसेस तो हमने देख लिया, अब एंड में बात कर लेते कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। देखिए सबसे पहली बात कि मैं आपको यह कहना चाहूंगा, Amazon Pay ICC क्रेडिट कार्ड डायरेक्टली आप अप्लाई ना करें, वो कार्ड का डिक्लाइन होने के चांसेस काफी ज्यादा होता है। मेरे हिसाब से बेसिक लेवल का कोई कार्ड लीजिए, उसके बाद 1 से 2 महीने में आप अपग्रेड करा लेंगे आसानी से Amazon Pay ICC कार्ड में। और अगर एक बार डिक्लाइन हो गया तो 6 महीने के लिए दोबारा अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूं ध्यान से अप्लाई करिएगा। दूसरी बात की मेरे हिसाब से SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड आपको जरूर ट्राई करना चाहिए, अभी बांटा जा रहा है, यानी कि बहुत ही हाई अप्रूवल चल रहा है, जितने भी लोग अप्लाई कर रहे हैं 99% लोगों का अप्रूव हो रहा है। तो
एक बार जरूर ट्राई करिए SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड, जो कि हर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर 5% का कैशबैक आपको देने वाला है। इसके अलावा अगर आप ICICI कार्ड अप्लाई करते हैं और ITR का डिमांड किया जाता है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करके ITR फाइल करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं, 10 मिनट के अंदर आपको ITR फाइल होकर के मिल जाएगा। तो वीडियो को यहीं पे करते हैं, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिए ताकि मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, जाइए डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिए। तब तक के लिए नमस्कार।